अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ खूबसूरत सी कुर्ता डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। तो चले फटाफट से हम अपनी डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। तीन कुर्तों की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहला जो कुर्ता है ये स्काई ब्लू कलर का कुर्ता है, तो मैंने उसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि मैं आपको करीब करके इस तरीके से दिखाऊँगी। देखिए, सबसे पहले मैंने एक पाँव, जो मशीन की एक पाँव होता है ना, उसकी दो दो सिलाइयाँ लगाई। उसके बाद मैंने इसके अंदर डेढ़ इंच का फासला छोड़ा, फिर दो सिलाइयाँ लगाई। इसके अंदर मैंने सुई की मदद से सेंटर में लाइन लगाते हुए इस तरीके से इसको मैंने ऊपर क्रॉस टांका लगाया। उसके बाद इसके अंदर एक एक गिरा लगाई ब्लैक कलर की, ताकि इफेक्ट अच्छा आए। इसी तरीके से जो हमारी नेक लाइन रेडी हुई ना, तो इसके अंदर की चौड़ाई जो थी तकरीबन डेढ़ इंच थी हमारी, तो इसके अंदर मैंने लूप्स इस तरीके से अटैच की। उसके बाद ब्लैक कलर की डोरी ली और इसको इस तरीके से यूज़ किया ताकि हमारा ये कुर्ता स्टाइल नेक लाइन बन जाए। और ये बनाना बहुत ईजी है और झटपट रेडी होने वाला ये डिज़ाइन है। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या किया था कि जब सिलाइयाँ लगाई ना, नीचे एंकर का धागा और ऊपर मैंने ब्लैक कलर का थ्रेड यूज़ किया था, तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा था हल्का हल्का, ये देखिए ब्लैक कलर का। तो ये बड़ी खूबसूरत सी हमारी ये कुर्ता डिज़ाइनिंग रेडी हो गई थी और फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आई थी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहती तो यहाँ पे रहते हुए इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी मैं गिरा लगा के इसको साइड पे कर देती हूँ ताकि आपको इजी और कंफर्ट से पता चल जाए कि किस तरीके से ये हमारी डिज़ाइनिंग रेडी हुई थी। तो अगर आप यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहती हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। ये बिल्कुल सिंपल कुर्ता स्टाइल था। ऊपर मैंने हल्का सा बैन अटैच किया 1.25 इंच में और यहाँ पे मैंने सिंपल एक सिलाई लगा के, जिस तरह कुर्ते के आगे से लूज़ बाजू होते हैं, इस तरीके से मैंने इसको लूज़ रखा बगैर किसी बुकरम के। तो फाइनल लुक अच्छे हमारे कुर्ते की इस तरीके से आई थी। तो ये बड़ा ही डिसेंट सा सिंपल सा कुर्ता था। ये डिज़ाइनिंग जो तैयार की थी तकरीबन मैंने 10 इंच तक ये रेडी किया था अपना डिज़ाइन को। तो फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है और देखिए कितना खूबसूरत सा और डिसेंट सा कुर्ता है। आप भी इसको ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपके साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इसका देख सकती हैं। अगर यहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहती हैं तो लेके इसको भी डिज़ाइन कर सकती हैं। तो सेकंड कुर्ते की तरफ चलते हैं। तो ये सेकंड कुर्ता बड़ा ही खूबसूरत पहना हुआ बच्चे को इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि आप यकीन माने, इस कदर ये हसीन डिज़ाइनिंग हुई थी ना, बिल्कुल सिंपल और इतनी खूबसूरत ये डिज़ाइनिंग है। इसके अंदर मैंने क्या किया कि सिंपल सिलाइयाँ लगाई हैं। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसकी सिलाइयाँ लगी हैं। देखें, इसकी मैंने इस तरीके से सिलाइयाँ लगाई रेशमी धागे से। ये जिस तरीके से नलकियाँ मिलती हैं इसी तरीके से ये धागा मिलता है। इसके अंदर नीचे मैंने चॉकलेट ब्राउन कलर और ऊपर सेम कलर का धागा यूज़ किया था और इसको मैंने मेजरमेंट करके ये सारी लाइनिंग की थी। ठीक है, एक एक स्लाइस की इस तरीके से लगाई और इसके बाद मैंने तकरीबन एक पाँव से थोड़ी सी इसकी स्पेस ज़्यादा थी जो सिलाइयाँ मैंने लगाई थी। ठीक है, तकरीबन इसकी सिलाइयाँ मैंने जो लगाई थी ना, वो 12 इंच तक इसकी सिलाइयाँ लगाई थी। ठीक है, और इसको मैंने क्रॉस बनाते हुए, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी लूप्स अटैच की, खूबसूरत से बटन साथ में अटैच किए, लूप्स के अंदर 1 इंच का फासला मैंने छोड़ा और इस तरीके से हमारा खूबसूरत सा ये डिज़ाइन रेडी हो गया। इसके नीचे जो मैंने पत्तियाँ बनाई वो कुछ इस तरीके से, पहले हमने एक एक चावल का टांका बनाया तकरीबन 1.5-1.5 इंच पे और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर का इस तरीके से ऊपर प्लस या जिस तरह से भी आपको समझ लगे उस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो ये भी सिंपल सा हमारा कुर्ता है। इसके भी जो कुर्ता स्टाइल में स्लीव्स है ना, वो बनाए मैंने लूज से और बड़ा ही खूबसूरत सा बारीक सा इसका मैंने बैन लगाया तकरीबन 1.25 इंच का और बैन को भी मैंने गुलाई में शेप दी। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपनी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। बड़ा ही हमारा डिसेंट सा ये डिज़ाइन रेडी हो गया था। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपने कुर्ते की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा कुर्ता नंबर 3 है। अच्छा, इसका कलर जो है ये ग्रे कलर है और बड़ी ही खूबसूरत सी हमारी ये कुर्ते की डिज़ाइनिंग हो गई थी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी डिज़ाइनिंग की कि इसके ऊपर मैंने ये स्टार लगाए। स्टार इसलिए लगाए कि इसके स्लीव्स में मैंने इस तरीके से स्टार बनाए थे। अच्छा, स्लीव्स को आपको मैं क्लोज करके दिखाती हूँ कि ये मैंने स्लीव जो की थी ना, 1 इंच के फासले पे मैंने इसकी सारी जो मेजरमेंट की थी, इसके सेंटर में जो हमारी स्पेस आ रही है ना, वो 1 इंच पे है। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे। यहाँ पर मैंने रेशमी थ्रेड यूज़ किया और अगर आप चाहें तो इसमें रेशमी थ्रेड प्लीज़ ना यूज़ कीजिएगा, बड़ा मुश्किल है, बड़ा डिफ़िकल्ट है इसको सिलाई करना रेशमी थ्रेड के साथ। सिंपल थ्रेड के साथ ये बड़ी इजीली सिलाई हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए इसको मैंने डिज़ाइन क्या किया कि पहले एक लाइन को खाली छोड़ा, दूसरी लाइन में ये बनाया और दूसरी लाइन में भी किस तरीके से बनाया कि एक स्टार बनाया, फिर एक डिब्बा खाली छोड़ा, फिर एक स्टार बनाया। इसी तरीके से नीचे वाले में मैंने सेम इसी पैटर्न से एक खाली छोड़ा, एक पे स्टार बनाते हुए इसको कम्प्लीट किया। इसमें मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से कफ लगाई है तकरीबन 1.25 इंच या
सवा इंच या डेढ़ इंच के हमारे ये कफ थे। मैंने सिंपल से इसमें कफ रखे और इसकी पॉकेट भी बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन की। इसको मैंने रेशमी थ्रेड के साथ सारा सिलाई किया था ताकि हमारी जो खूबसूरती और इन्हेंस हो जाए। इसके मैंने बैन के ऊपर भी इसी तरीके से, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, बैन को भी मैंने इसी तरीके से इसके ऊपर स्टार लगा दिए ताकि बच्चों को ये चीज़ें छोटी छोटी बड़ी अच्छी लगती हैं और बड़ा खुश होते हैं इस तरह की चीज़ें देख के। तो ये हमारी फाइनल लुक इस कुर्ते की आई। देखिए किस कदर खूबसूरत सा सिंपल सा डिसेंट सा कुर्ता है। ये तकरीबन 4 से 5 साल 6 साल 7 साल तक के बच्चे का मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। आप इसी तरीके से अपने बच्चों के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहती है तो ले सकती हैं। अगर इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, वहाँ से मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइनिंग तीनों कुर्तों की बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह मज़ीद डिटेल डिज़ाइनिंग शेयर करती रहूँगी। इसके अलावा भी मेरे चैनल पर बहुत से खूबसूरत डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मौजूद हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।